जब से बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब इस दुनिया से गए हैं, तब से पूरा बॉलीवुड और सबसे ज्यादा इनकी धर्मपत्नी सायरा बानो दुखी हैं, जो आज भी अपने पति के गुजर जाने का सदमा अकेले झेल रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने पति के चले जाने के बाद अभिनेत्री सायरा बानो किस तरह अपनी जिंदगी बिता रही हैं, किन हालातों से अब इन्हें गुजरना पड़ रहा है और अकेले कैसे सब कुछ संभाल रही हैं? क्या इसकी कुछ भी खबर आपको है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पर सबसे पहले इनके लिए एक लाइक जरूर कर दें। अभिनेत्री सायरा बानो की दुनिया तो उसी दिन उजड़ गई थी जब इनके पति दिलीप कुमार साहब ने इन्हें अकेले इस बेरहम दुनिया में छोड़ दिया था। आज इनके पति को गुजरे पूरे एक साल एक महीने हो चुके हैं। दिलीप कुमार के जाने के बाद से ही इनकी धर्मपत्नी सायरा बानो इस भीड़ वाली दुनिया में तन्हा हो चुकी हैं। आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ अपने पति दिलीप कुमार के लिए बॉलीवुड की दुनिया को त्यागा था, पर जब अब दिलीप जी ही नहीं रहे इनका साथ निभाने के लिए, तो अब ये अकेले तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं, वो भी अपने बड़े से महल में रहकर, जहाँ पर हजारों नौकर चाकर इनकी सेवा में मौजूद हैं, पर बावजूद इसके ये खुद को काफी अकेला पाती हैं। इनके साथ वक्त ने ऐसा सितम किया है कि इन्हें कोई संतान भी नहीं है जो इनकी करोड़ों की धन संपत्ति को संभालने के साथ साथ इनका भी ख्याल रख सके। ये खुद ही अपने सारे काम करती हैं, और अगर इनके चेहरे को देखा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही नजर आता है। पर अगर इनकी लाइफ स्टाइल पर एक नजर डाली जाए तो यह बहुत ज्यादा सिंपल नजर आती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ फीके रंग के कपड़ों में ही देखा जाता है, और ये कुछ खास एसेसरीज भी कैरी नहीं करती। ये पूरे दिन अपने घर के कोने में पड़ी रहती हैं, और सायरा बानो अब दुनिया वालों से भी कुछ खास ताल्लुकात नहीं रखती। इतनी बड़ी कोठी हवेली होने के बावजूद ये सादा भोजन खाती हैं, और अपनी जगवार ऑडी Q7 जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर ना करके अपने घर पर रहकर ही एक बेहद आम जिंदगी जीती हैं। तो दोस्तों, आप अभिनेत्री सायरा बानो की इस दुख भरी स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।